एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और कल करवा चौथ है तो मैं आई हूँ मेहंदी लगवाने के लिए। और आज के दिन तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। पहले मैं यहाँ पे आई तो यहाँ 4-5 लोग ऑलरेडी खड़े हुए थे, तो मैं वापस चली गई। मुझे चुन्नी चाहिए थी सुबह के लिए, नहीं थी। मैंने सूट लिया था ना जो सुबह पहनने के लिए, उसकी चुन्नी नहीं थी, तो फिर मैं वो चुन्नी लेने चली गई। वापस आई तो वापस से यहाँ 4-5 लोग ऑलरेडी खड़े हुए थे। अरे मैं पहली बार ही बाहर आई हूँ, मैं कभी बाहर मेहंदी लगवाने नहीं आई। मैं हमेशा अपने घर पे लगवा लेती थी, नहीं तो अपने पड़ोस में चली जाती थी लगाने के लिए। लेकिन इस बार वो लोग हैं नहीं, कहीं शिफ्ट हो गई दूसरी जगह, थोड़ा लंबा है इसकी वजह से मैं नहीं जा पाई। बोले तो थी कि आ जाना करवा चौथ के दिन, लेकिन मैं ही नहीं गई। मैं बोला कोई बात नहीं, मैं लगवा आती हूँ। और इसके पहले लगवाती थी तो शादी वगैरह हो गई इन लोगों की, तो ये चांस 17 साल में पहली बार है जो मैं बाहर मेहंदी लगवाने आई। सबसे पहले तो मेहंदी मेरी सूख जाए, क्योंकि बारिश होने लगी तो वहां पे मुझे खड़ा होना पड़ा दुकान पे एक जगह, तो थोड़ा गीली भी हो गई, नहीं तो अभी तक सूख जाती। मुझे भूख जैसी लग रही थी, गला सा सूख रहा था, तो मैंने बच्चों से बोला थोड़ा खिला के मुझे पानी पिला दो, बहुत जोर भूख लग रही है। मेहंदी जब सूख जाएगी तब मैं बाद में खाना खा लूँगी। ये मुझे छोड़ के सीधे निकल गए, बच्चे ही थे तो उन्होंने मुझे केक खिलाया। खाना खाने का मेरा मूड भी नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं सोची छूट जाएगी ना उसके बाद खा लूँगी आराम से। लगवा के आई हूँ, इनके साथ गई थी। मैंने इनसे बोला चलो मुझे लेके चलो, मुझे मेहंदी लगवानी है, तो ये चले गए थे वहाँ पे किसी काम से। फिर उसके बाद जब जी आए जब तक मेरी मेहंदी लग चुकी थी। और वीडियो शूट करने के लिए मैंने उन्हीं से बोल दिया जो भैया लगा रहे थे, तो उन्होंने मेरा वीडियो शूट कर दिया था। और बारिश भी होने लगी थी रास्ते में, तो फिर वहाँ मुझे रुकना पड़ा रास्ते में, क्योंकि बारिश से ना मेहंदी पूरी गीली हो रही थी। फिर 15-20 मिनट में रोड पर खड़ी रही साइड में, फिर भी थोड़ा गीली हो गई, थोड़ी सी छूट भी गई, लेकिन फिर भी ठीक है, लग गई मेरी मेहंदी। ये मेहंदी सूख चुकी है। अभी मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगी पार्लर थ्रेडिंग बनवाने के लिए और पूजा का सामान लेने के लिए। चलो सुखा लूँ इसको, अभी खाना नहीं खाया है। थोड़ी सी मुझे केक और पानी, बच्चों ने पानी पिला दिया, केक खिला दी, लेके आई थी रास्ते से ही, तो वही खा ली मैंने अभी। दो तीन दिन से इतना भागा दौड़ी हो रही है ना, ये मार्केट जाके कपड़े लाई, साड़ी वगैरह, फिर उसके बाद ब्लाउज सिलने डालने गई, फिर पूजा का सामान लेके आई, तो 3-4 दिन से कंटिन्यू मार्केट जाना आना और घर पे भी खाना वगैरह बनाना। तो त्यौहार का टाइम चल रहा है ना, तो थोड़ा बिजी सा लाइफ हो गया एकदम। पूजा का सामान लेने आई थी तो सोचा पूजा का सामान बाद में लेती हूँ, पहले पार्लर चली जाती हूँ, नहीं तो पार्लर में भी फिर भीड़ लग जाएगी, वहाँ भी नंबर लगाना पड़ेगा। इसकी वजह से मैं जल्दी आ गई। अभी कोई नहीं था, सिर्फ मैं थी और एक दो लोग और थे बस, ज़्यादा लोग नहीं थे। नहीं तो अगर थोड़ा और लेट आती ना शाम के टाइम पर, वही 6-7 बजे। अभी टाइम ज़्यादा लग जाता और मुझे शायद नंबर भी लगाना पड़ता, क्योंकि शाम के टाइम पे अधिकतर लोग ज़्यादातर आते हैं, दोपहर में तो सब लोग सोचते हैं कि आराम कर लो, शाम को जाते हैं। थ्रेडिंग भी बनवा के आ गई मैं, और ये कपड़े रखे हैं अभी घर आने के लिए, और ये मैं जा रही हूँ मेहंदी घोलने। अभी लगा लेती हूँ सर में, आज ही बाल धो लेती हूँ, तो मैं ये मेहंदी घोल लूँ पहले। फिर बालों में मेहंदी लगानी है तो सोचा घोल के रख देती हूँ पहले 1-2 घंटे के लिए, बाद में लगा लेती हूँ। तो मैं खाली मेहंदी नहीं घोलूँगी, मैंने इसमें आंवला का पाउडर डाला है और सिकाकाई का पाउडर डाला है, दोनों को मैं घोल के मिला के रख दूँगी। मेहंदी में ही मिला दिया है मैंने आंवला और सिकाकाई का पाउडर, और 1 या 2 घंटे तक रख दूँगी फिर लगाऊंगी, तो बाल एकदम नरम हो जाएंगे, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट से। और डाई लगाने की सोची थी लेकिन डाई नहीं लगाई फिर मैंने, क्योंकि डाई लगाने से कैसा होता है ना, और बाल सफ़ेद हो जाते हैं, मैंने देखा है, क्योंकि मेरे पहले इतने नहीं थे बाल सफ़ेद जितने मेरे बाद में और हो गए। मैंने 1-2 बार डाई लगा ली काली वाली, तो उससे और बढ़ने लगे, तब से बाबा मैंने कान पकड़े मैं डाई नहीं लगाऊंगी, मैं यही मेहंदी घोल के लगा लिया करूँगी। पूजा का सामान भी लेके आ गई, रखा है
पहले मेहंदी घोल के रख देती हूँ एक आध घंटे, उसके बाद लगा लूँगी। थोड़ी बहुत देर तो घोल के रखनी चाहिए, जब तक वो फूलेगी। मैंने बना लिया है रात का खाना, खड़ी मसूर की दाल और चावल, तो आप लोग भी खा लीजिए। और रात के खाने में मैंने रोटी नहीं बनाई है, सिर्फ दाल चावल बनाई है बस। और 12 बजे से पहले पहले हम खाना खा लेंगे और पानी जितना पीना होगा ना उतना पी लेंगे। 12 बजे के बाद पानी नहीं पीऊँगी, कल व्रत है इसकी वजह से। और कोई कोई कैसा होता है ना, सुबह सर्गी खाते हैं 4 बजे, लेकिन हम नहीं खाते हैं, हम सिर्फ 12 बजे के पहले ही पानी पीते हैं, उसके बाद कुछ नहीं खाते हैं। मेहंदी सूख गई है, अब मैं जा रही हूँ सर धो लेती हूँ। और कल गुरुवार है, कल तो सर धोएंगे नहीं, इसकी वजह से ही मैंने आज मेहंदी लगाई है। नहीं तो हर करवा चौथ पे मैं उसी दिन लगाती थी सुबह और उसी दिन सर धोती थी, लेकिन इस करवा चौथ पे मैं उस दिन सर नहीं धोऊंगी। गुरुवार के दिन कोई भी सर नहीं धोता, अच्छा नहीं मानते हैं इसकी वजह से। तो चलो इस वाले ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। कल है करवा चौथ, तो आप सभी लोगों को हैप्पी करवा चौथ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय गाइस।